गाइस वेलकम टू एमवीएम्स किचन। आज हम आपके लिए सिंधी क्विजीन की मोस्ट पॉपुलर डिश सिंधी कड़ी की रेसिपी लाई हैं। इसे चावल के साथ सर्व किया जाता है। सिंधी कड़ी में बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड होती हैं। ये अपने आप में ही एक कंप्लीट मील है। इसके लिए आपको किसी साइड डिश की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक कप बेसन, चार टमाटर की प्यूरी, वेजिटेबल्स में हमें चाहिए एक बैंगन, कच्चा आम, कुंदरू, ग्वार, भिंडी जिसे हमने लंबी लंबी स्लिट लगा के काट लिया है, उबली हुई फूलगोभी, ड्रमस्टिक, ढेस, आलू। मसालों में हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, और खट्टेपन के लिए हमें इसमें डालना है इमली। तड़के के लिए हमें चाहिए राई, जीरा, करी पत्ता, गार्निशिंग के लिए हरा धनिया। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें कुछ वेजिटेबल्स को डीप फ्राई करना होगा, जैसे कि भिंडी, बैंगन, कुंदरू और फूलगोभी। इनको हम डीप फ्राई करके डालेंगे। इन वेजिटेबल्स की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, या चाहे तो आप अपने हिसाब से वेजिटेबल्स को स्किप भी कर सकते हैं। ये कड़ी हम 10 लोगों के लिए बना रहे हैं। देखिए हमारी भिंडी डीप फ्राई हो चुकी है, इसे हम निकाल देंगे पैन से। बैंगन को हमने बड़े बड़े पीसेस में काट कर नमक के पानी में डाल के रख दिया था। अब हम डीप फ्राई करेंगे बैंगन को। हमारी सब्जियां डीप फ्राई हो रही है, हम बेसन को भून लेंगे। इसके लिए हमने एक बर्तन में तेल लिया है, उसमें हमने एक कप बेसन डाल के उसकी गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। देखिए हमारा बेसन गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी ऐड करेंगे और इसमें पानी डालेंगे। जब भी आप कढ़ी बनाएं, एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, पानी आप हमेशा अपने पास ही रखें। इतना कढ़ी में हमें डालना है, नहीं तो उसमें गांठें आ जाती हैं। हमने इसमें मिर्ची, हल्दी और पानी डाला है। अब हम इसमें टमाटर प्यूरी डाल देंगे। देखिए हमने आलू को थोड़े बड़े बड़े पीसेस में काटा है। अब हम ये आलू डालेंगे और कड़ी जितना नमक डालेंगे। अब नमक स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। इसी समय हम इसमें ड्रमस्टिक और ग्वार भी डाल दें। इसको थोड़ा फुल करिए। जब इसमें एक बॉईल आ जाएगा तो इसको ढक के आलू के गलने तक अच्छे से पकाइए। हमारे आलू गल चुके हैं। अब हम इसमें अपनी बाकी तली हुई सब्जियां भी डाल देते हैं जो हमने फ्राई करके रखी थी, और कच्चा आम भी साथ में डाल देते हैं। अब हम वापस से इन सब्जियों के थोड़ा गलने तक इसे ढक के पकाते हैं। लेते हैं हमारी सब्जियां गली है कि नहीं। हमने 10 मिनट इन्हें सिम पे ढक के पकाया है। देखिए हमारी सब्जियां हो गई हैं। अब हम इसमें इमली का पल्प ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसे 5 मिनट ढक के और पकाएंगे। जब इसे अच्छा बॉईल आ जाएगा फिर हम इसमें हरा धनिया। कढ़ी में बॉईल आ गया एक, इसमें हम हरा धनिया डालेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया हम ऊपर गार्निशिंग के लिए बचा के रखेंगे। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, हमारी कढ़ी अब तैयार हो गई है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले एक फ्राई पैन में तेल गरम करेंगे। इसमें हम थोड़ी सी सरसों डालेंगे। जब सरसों हमारी तड़क जाएगी, सरसों तड़क गई है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे। तो
थोड़ी सी हल्दी और कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब हम इसे अपनी कढ़ी के ऊपर डालेंगे। अब हम इसे हरे धनिए से गार्निश करेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी सिंधी कढ़ी। आई होप ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।